अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो है श्रीकांत त्यागी। वही श्रीकांत त्यागी जो नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में सुर्खियों में आए थे। आज उन्हीं श्रीकांत त्यागी को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल श्रीकांत त्यागी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, इसको लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। श्रीकांत त्यागी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, इसीलिए अपील की विशेष अनुमति की याचिका खारिज की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को फैसला दिया था। फैसले में कहा था कि एक ऐसा शख्स जिसने हिंसा का रास्ता चुना और वो लोगों की जिंदगी की कद्र नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को अगर खतरा है तो वो उसका अपना खुद का मामला है जिसके लिए सरकार उसे सुरक्षा नहीं दे सकती। श्रीकांत त्यागी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आपको याद हो तो नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पेड़ हटाने को लेकर श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर उनकी काफी किरकिरी हुई थी।